गली विंटर भाई रजी गोइंग टू हॉट स्प्रिंग दुनसा। हम लोग गिलगित से आ रहे थे और सॉरी स्कर्दो से आ रहे थे। सुबह के 10 बज चुके हैं तो इसलिए जरा ना थोड़ा अभी दिमाग जो है खुला नहीं है। अच्छा जी, तो हम लोगों ने रोंदो वाली साइड पे इसको टर्न किया है टर्मिक वाली साइड पर। तो यहाँ पे जी मोड़ पे मोड़ है, हर 30 मीटर के बाद एक मोड़ टर्न करना पड़ता है। हम ऊपर की ऊपर तरफ जा रहे हैं और कितने मोड़ हैं ये तो गिने नहीं, लेकिन मोड़ बहुत सारे शायद उतरते हुए गिने। ये तुर्मिक वैली का जो आखिरी गांव है जी वो दुनसा तुर्मिक है, जहाँ पे सालाना फेस्टिवल्स वगैरह भी होते हैं। और इसकी तुर्मिक की जो मशहूर है वो जी गरम, यहाँ पे गरम चश्मा भी है और बहुत कहते हैं कि ये खूबसूरत वैली है, लोग इसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। लेकिन टूरिस्ट से ज़रा थोड़ा ये लोग इतने ना वाकिफ नहीं है इस जगह से, क्योंकि इसकी रोड अभी कच्ची है, बहुत रफ टेरेन है इसका, तो यहाँ पे सिर्फ जीपें ही आ सकती हैं, तो इसलिए आम गाड़ी का यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। इधर से आपको दिखाएं, ये मोड़ से मोड़ हम मुड़ते जाते हैं, तो ऐसे हमने कई मोड़ मुड़े हैं और मुड़ के हम लोग ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहे हैं। ये आगे आपको थोड़ा सा वो ऑटम का खजां का एक ये छोटा सा पास्टर नज़र आया है। यहाँ पे इनके ये सारे देसी गायें हैं जिनको ये अपनी ज़बान में ज़ोह बोलते हैं, और यॉर्क इनका सबसे खूबसूरत एनिमल है। ये देखिए जी, ये ऑटम है, वो सामने कलर्स आप देखें, ये यॉर्क भी लग रहा है मुझे, ये यॉर्क है जी। वाह, चलो उधर हम वो रोड उस तरफ जा रही है, और वहाँ हमने ऊपर टॉप पे पहुँचना। ये देखो जी, बर्फ़ भी साथ साथ, आज थोड़े से क्लाउड्स भी आए हुए, मौसम बेहतर है, इतनी सर धूप नहीं। और नीचे आपको खूबसूरत कलर्स और स्नो और येलो ट्रीज का जो मिक्सचर है खूबसूरत। ये एक पहला गांव आया है, तो इनका कहना ये है कि ये पहले गांव का नाम दासू थंग है, दासू थंग। और थंग को मेरे ख्याल से बल्ती जुबान में हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ती जुबान खुली जगह मैदान। तो जब भी कोई इस तरह गांव नज़र आता खूबसूरत और जो खुली मैदान में जहाँ पे इनके घर बनाते हैं ये, तो उस जगह को थंग बोलते हैं। तो जी ये दासू थंग है ये जी। एक और मोड़ आ रहा है, ये देखिए इनकी लैंडस्केपिंग कितनी अच्छी है, यहाँ के जो पोटैटोज हैं वो सबसे आजकल मशहूर हैं। पूरे इस मौसम में इस कल्टीवेशन जो होती है इनकी पोटैटोज की, सितंबर से लेके मार्च तक, कहते हैं ये जो आलू है ये कभी ख़राब भी नहीं होता 6 महीने, और ये या एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो लोगों का जो खेती बाड़ी का जो सिस्टम है यहाँ पे, उस पर उनकी ज़िंदगी का सारा दारोमदार है। ऑटम बहुत खूबसूरत है, तुर्मिक इज रियली ब्यूटीफुल, जितना मैंने सुना था वैसा ही इसको पाया। वाह,
क्या बात है, तो आप भी बड़े प्यारे कलर्स है ऑटम। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं जी, साथ साथ नाला आ रहा है नीचे, और थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं ऊपर से, और ये अब दोनसा से ये है नाला आ रहा है, और यहाँ से तुरमक वैली शुरू हो चुकी है, हम इसके अंदर दाखिल हो चुके हैं तुरमक वैली के। तो अभी हमने दोनसा तक जाना है, आपको साथ साथ नज़ारे दिखाएंगे। ये खूबसूरत देखें वैली है, और गर्मियों में ये बिल्कुल टोटल ग्रीन होती है, लेकिन ऑटम में इसकी अपनी ब्यूटी है। तो ऑटम की जो ब्यूटी है, उसका नेचर को एंजॉय करने का मज़ा अपना अलग है। तुरमक में और सईद जो है, सईद है, ये इन्होंने हमें यहाँ पे तुरमक में चाय के लिए ऑफर किया। तो हम लोग घर से नाश्ता निकल के निकले थे ना, चाय पी के निकले थे, तो हमने सोचा कि चलो इतनी अच्छी ऑफर को हम कैसे ठुकरा सकते हैं। तो अभी हम इधर मकान में जा रहे हैं, और यहाँ बैठ के चाय पियेंगे। तो ये साथ साथ मेरे, और ये इनका एडवेंचर, ये बताएं कि आपके इधर बिजली आती है? बिजली आती है, क्या ख्याल है? कोई चेयर मेयर कोई नहीं है ना? अच्छा नहीं, हम लोग इधर बैठ जाए। ये जगह बहुत अच्छी है जी, यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ। वाह देखिए, टेक भी लगाई, ये इनके बिस्तरे पड़े हुए, ये इनके सामान हैं, कपड़े हैं, और यहाँ से खिड़की से इनका ये व्यू भी बड़ा खूबसूरत है। तो ये चीज़ें जो होती हैं जब आप लोग ऐसे आते हैं, ये इतने मिलनसार और इतने प्यार करने वाले लोग होते हैं कि हमेशा आपको वो इज्जत देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, आप चाय पिलाते हैं। बिल्कुल ठीक हूँ, आराम से हूँ, बल्कि नीचे पाँव लगे हैं, जरा पीछे टेक लगी हुई है, बहुत आराम से मैं बैठी हूँ। तो और मैं इनका एक खास यहाँ पे चादर होती है जी, और वो चादर का नाम मेरे ख्याल से कुछ कारकार बताया, चश्मे बुलबुल, चश्मे बुलबुल मिलेगा, इधर से मिलेगा इंशाल्लाह। हां, हम कोशिश करेंगे, मिलेगा। भेड़ की बकरियों की ऊन से वो ये भेड़ों का ऊन से बनाता है और वो हाथ से बनाता है। यूजुअली इसका जो रंग होता है वो सफेद और काले में होता है, और वो चश्मे बुलबुल एक खास इनका चादर है, और ये उनको नीचे भी भेजते हैं बाजार में, स्कर्दू में, और वहाँ पे भी मिलता है। और उसका अभी हम आपको एक छोटा सा सैंपल भी दिखाएंगे कि अगर इनके पास होगा तो वो आपको दिखाएंगे कि इधर तुरमक वैली की ये इनकी क्या खासियत है। तो मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद। तो जी, ये भी इन्होंने हमको सेब दिया है, और उस वहाँ से संदूक में से निकाल के इन्होंने हमको ये, उनका ये कोल्ड स्टोरेज है एक तरह का, और यहाँ पे ये कोल्ड स्टोरेज में अपने ये फ्रूट वगैरह रखते हैं, जिससे ये कभी ख़राब नहीं होते। तो ये इन्होंने हमें यहाँ का तुरमक वैली का सेब दिया है, और आप ये देख सकते हैं कि इसका कलर जो है बिल्कुल येलो है, येलो बिल्कुल उसी तरह के जैसे कि आजकल ऑटम के ट्रीज़ के येलो कलर के पत्ते हुए हैं, ये बिल्कुल सेम वही कलर है। और इसका नाम 5 स्टार है। ये वाला जो सेब है, ये रेड वाला, ये भी ऑटम कलर के पत्तों की तरह के ट्रीज में आजकल ये येलो और रेडिश ब्लैक मैरूनिश सा जो कलर चल रहा है, सेम दोनों के सेब के कलर है, लेकिन इस सेब का जो नाम है 3 स्टार है। तो ये है 5 स्टार, और ये हुआ
थ्री स्टार एप्पल। तो आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जी इनकी सकाफती टोपी है और इज्जत अफजाई इन्होंने की, मुझे सर पे अपना सकाफती टोपी पहनाया। और ये जैसे कि मैं अभी आपको फाइव स्टार एप्पल और थ्री स्टार एप्पल का बता रही थी, तो इन दोनों में कितना टेस्ट का फर्क है वो मैं आपको चख के बताऊंगी। तो कौन सा वाला मीठा है, ये वाला कि ये वाला? ये उम्र के साथ, यानी कि जितना मीठा इसमें स्टोरी करके रख देगा ये इतना मीठा होगा। अच्छा। अभी थोड़ा सा इसमें खट्टा है, इसमें मिठास है, इसमें मिठास है। तो ये मैं साथ एक लेके जाऊंगी। वेलकम। और भी ले जाना, अभी हमने गर्म चश्मा जाना है तो शायद हमको भूख फिर लग जाए, तो हम ये साथ रखेंगे ताकि इसको खा के जरा ताकत आए। और अभी हम ये वाला एप्पल थ्री स्टार वाला एप्पल पहले चखेंगे। तो ये हुआ, वेरी गुड, वेरी नाइस, जूसी है, क्रंची है और मीठा भी है। तो अभी हम फिर आपको मिलेंगे दोबारा दोनसा में और गरम चश्मा में, और चाय के बाद। चाय भी अब जब आएगी तो हम आपको इनका एक सकाफती जिस तरह पेश करने का अंदाज है वो भी आपको उससे भी जरा मुतारफ कराएंगे। थैंक यू सो मच। तो जी ये हमारी चाय आ चुकी है गरम गरम, और साथ उन्होंने हमें ये ऑर्गेनिक एग्स दिए हैं, यहाँ के देसी मुर्गियों के अंडे हैं, बॉइल्ड एग्स हैं ये। अब हम खाएंगे और ताकत बनाएंगे। इस जगह पे जहाँ हम बैठे हुए हैं ये इनकी जगह है, आपका नाम बताएंगे? फरमान अली। फरमान अली। और ये तुरमिक का गांव है बड़ी पा जी। इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए और ये साथ आशिक हैं और वो हमारे ड्राइवर हैं, और ये हमारी चाय है और अब हम चाय पियेंगे। तुरमक वैली का एक और गांव जिसका नाम है सुरबू। के दोनसा पहुंच चुके हैं और मौसम आप देखें बिल्कुल स्नोफॉल वाला हुआ हुआ है, और बल्कि हल्की हल्की कभी कभी यहाँ पे स्नोफ्लेक्स भी गिर रहे हैं। इस वक्त लास्ट पॉइंट दुनसा में, दुनसा। और यहाँ से कहते हैं 1 hour या 45 मिनट्स की एक चश्मा है, गर्म चश्मा, हॉट स्प्रिंग जिसके नाम से अभी आशिक हमको बता रहे थे, वहाँ तक जाएंगे हम। पैदल रास्ता है और बर्फ पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी अभी ये फ्रेश स्नो पड़ी है माउंटेन्स के ऊपर, सुबह से क्लाउड्स थे और इस वक्त क्लाउड्स जो है वो नीचे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वापसी तक यहाँ भी बर्फ पड़ जाए, लेकिन जाना हमने वहाँ तक है इंशाल्लाह। आलू की खसूसियत है ये इनकी,
कि ये इसको स्टोरेज करेंगे। अभी आप ये देख रहे हैं हल्के हल्के स्नोफ्लेक्स पड़ रहे, बर्फ स्नोफॉल हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। शायद आपको ये नज़र आ रहा हो, हवा में कुछ उड़ता हुआ वाइट फ्लेक्स हैं, ये स्नो फ्लेक्स हैं। तो अब इसको प्रिजर्व करने के लिए ये लोग ज़मीन में कोई 5 से 7 फुट नीचे खंदक जैसी खोदते हैं और उसमें फिर ये सारी जो आलू हैं इसको नीचे रख के प्रिजर्व कर लेंगे। और ये कम से कम इनका 3-4 महीने जो है आलू जो है वो ख़राब नहीं होगा। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? असल में ठंड से मेरी आवाज़ ज़रा थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। अच्छा जी, तो मैं ये कह रही थी कि ये 5-7 फीट इसको खोद के जगह को ज़मीन के अंदर खंदक सी बनाएंगे और ये जो आलू आप देख रहे हैं ना, ये इसको उसके अंदर डंप कर देंगे और सर्दियों से ये महफूज रहेगा आलू और ख़राब नहीं होगा 5-6 महीने तक। और क्योंकि ज़मीन के अंदर का जो हिस्सा है वो गर्म होता है तो वो इसको आलू को जो है ना प्रिजर्व रखता है। तो ये इनका सर्दियों का जो है वो स्टोरेज है और जब जब जैसे जैसे इनको ज़रूरत पड़ेगी वो उसके साथ साथ फिर उसको निकालते रहेंगे। अब ये जो पहाड़ इस तरफ जो जा रहा है, यहाँ से ट्रैक निकलता है बादशाह की तरफ। बादशाह जो है आशिक किधर आता है? शिगर में। शिगर में, हाँ। यहाँ से जी हम अगर ट्रैक करके जाएं तो बादशाह जो आएगा वो जाके शिगर में निकलेगा जी। और अगर आपको छोटा सा एक मकान सा नज़र आ रहा है वहाँ से अंदर दो पहाड़ों के दरमियान से अगर आप ट्रैक करते हुए जाएं तो ये रास्ता स्थक निकलता है और ये है कोई 7-8 घंटे का ट्रैक है जो यहाँ से सीधा आपको स्थक वैली में लेके जाएगा। तो हमारे लेफ्ट साइड पे ये एक ट्रैक है और राइट साइड पे हमारा बादशाह वैली में जो ट्रैक निकलता है जो शिगर में जाके लग जाता है, मिल जाता है जी। बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और देखते हैं कि चश्मे की तलाश हमारी कहां तक जारी रहती है। अब थोड़ी तेज़ होती जा रही है, ये साथ आप देख रहे होंगे बर्फ। इस वक्त हम बमसा तुरमिट में बैठे हैं, ये इनका पोलो ग्राउंड है, यहाँ पे ये पोलो खेलते हैं और फेस्टिवल भी लगता है जी। हाँ जी। अच्छा, तो फेस्टिवल इनका सराहना लगता होगा जुलाई के मिड में। जुलाई में ये जगह बहुत खूबसूरत होती है, यहाँ पे पोलो खेली जाती है, मकामी लोग पोलो खेलते हैं। और ये सामने आप देखते हो छोटे छोटे घर, ये स्टोन एज के स्टाइल में ये जो छोटे छोटे घर हैं, ये यहाँ पे ज़्यादातर मवेशी को भी रखते हैं और साथ साथ कुछ जगहों पे घरों में फैमिलीज भी रह रही हैं यहाँ पर। तो कुदरत का एक अजीब नज़ारा है जी यहाँ पे, कहाँ कहाँ लोग बसते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं। ये हमारी ट्रेडिशनल कल्चर आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको समझ में आती है कि आप इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं और महसूस कर सकते हैं उस तरह से कि कितनी हार्ड लाइफ है इनकी। और हम लोग आके इनको, इन हसीन वादियों को तरस रहे होते हैं देखने के लिए, आने के लिए। ये ऐसी खूबसूरत जगह है जिनका कोई, मैं कहती हूँ पाकिस्तान के अलावा तो और किसी मुल्क में कहीं मिसाल नहीं है जितनी खूबसूरती इस पाकिस्तान में है। देखिए इनका मैं आपको अंदर से एक छोटा सा दिखाती हूँ, ये यहाँ पे इनका चूल्हा है, खाना वाना बनाया है, साथ में ये छोटा सा इनका वॉशरूम टाइप है और ये रात को इधर रहते हैं। और ये जगह इनकी, ये इनका बसेरा है। तो सोचें ये हार्ड लाइफ है कैसी। और मुझे तो देख के ये महसूस हो रहा है कि इन लोगों को तो पता ही नहीं नीचे की दुनिया क्या है, वहाँ पे क्या क्या हमें कंफर्ट है, हमें कितनी लग्जूरियस लाइफ मिली हुई है। लेकिन वो इसी लाइफ को कहते हैं कि ये जो लाइफ हमें मिली हुई है इससे सेहतमंद लाइफ और कोई और हो नहीं सकती। हवा साफ़ है,
ऑक्सीजन, फ्रेश एयर, ऑर्गेनिक फूड, हर चीज़ इनको मैसर है। और बीमारियां भी यहाँ पे इसी वजह से कम होती हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई इनको, हाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए इनको नीचे ज़रूर जाना पड़ता है। और ये इनकी मस्जिद है, देखें ये खूबसूरत नज़ारा, आपको 360 व्यू में मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। थका देने वाले जी, 2 घंटे हो गए, इन्होंने कहा था घंटे का है, 2 घंटे होने वाले हैं, लेकिन वो गर्म चश्मा अभी तक नहीं आ रहा। और इतने खतरनाक खतरनाक पगडंडियों से गुजर के आए हम कि कैमरा पकड़ना मुश्किल था, वरना आपको वीडियो भी दिखा दे। स्नो फॉलिंग हो रहा है, यह हम अभी चश्मे से बहुत ही करीब हैं। पहाड़ों पे बर्फबारी का की जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं, ये देखिए बर्फ गिर रहे हैं। हाँ हाँ, यहाँ देख रहा हूँ मैं ना, ये तो बना है दूरी दूर जो ना ये रहा हाँ, बर्फ नजर नहीं आ रही गिरते हुए, अब आ रही है यहाँ पे आ रही है। हाँ। ये देख। हाँ। बस ये जो नाला आपको नजर आ रहा है, ये तुर्मिक नाला है। दुनसा से हम चले हैं अभी इधर गर्म चश्मे की तरफ, और इस ये जो नाला है इससे आगे आप छतरों निकल सकते हैं शिगर बाशावली, जिसके लिए पैदल ट्रैक मौजूद है। पुराने वक्तों में यहाँ से भेड़ बकरियाँ और जो जो यहाँ का मकामी जानवर है उसका ट्रेड किया जाता था, आज भी कुछ लोग यहाँ से ट्रेड करते हैं बादशाह से बादशाह की तरफ। और दूसरा ये नाला आपको नज़र आ रहा है, ये जो नाला है ये नाला भी यहाँ से आरिंदों से जाते हुए निकलेंगे, ये तकरीबन 20 हिल को करा टच करता है। तो
तो बीसिल से ये टच करेंगे, ये भी शिगर का वैली है, बीसिल बादशाह का नाला है। फिर आपको दिखाऊं कि उधर से आगे जहाँ आपको आबादी नज़र आ रही है और उसके अंदर एक, हम नीचे से आए हैं और उसके अंदर एक ये जो पहला पहाड़ है उसके अंदर आपको एक दर्रा नज़र आ रहा है, वहाँ से जाता है उसके पीछे एक और खूबसूरत विलेज है जिसका नाम है स्तक। और स्तक के पहाड़ है, रंगा है, वो उसका मिडो है, बहुत ही खूबसूरत मिडो है, वहाँ पर ग्लेशियर है। अच्छा जनाब अली, ग्लेशियर भी है और झील भी है और मिडो भी है और फॉरेस्ट भी है। तो कभी ज़िंदगी रही तो हम ये रास्ता निकलता है शुद्रुन को, अरिंदो को वो रास्ता जाता है, ये रास्ता अरिंदो को टच करेगा, ये वाला जी जी, ये जो ट्रैक है ये बेसिल अरिंदो को टच करेगा स्तक से, फिर आके स्तक और बीसिल बिल्कुल आमने सामने है। तो ये हमारे खूबसूरत विलेजेस है और ये इतनी खूबसूरत जगह आपको जिंदगी में कभी फिर और नजर ना आए। सही बात है, अगर उधर देखें तो आपको थोड़े से ना वो स्टीम सी नजर आएगी, हल्की हल्की सी स्टीम नजर आ रही है आपको। फिर आइए देखें, ये इसका गर्म पानी का धुआं है, स्टीम है। कुदरत देखिए कि तीन पहाड़ों के बीचों बीच ये गर्म चश्मा जो गंदक के का पानी है, इसमें गंदक शामिल है, सल्फर। तो यहाँ पर लोग अपने जल्दी अमराज की बीमारी जिन लोगों को होते हैं वो इधर आके अपने जल्दी अमराज ठीक करते हैं। और ये जो नाला आपको नज़र आ रहा है ये नाला शिगर को जाता है, और शिगर में जो छुत्रुन है और इसके पीछे जो पहाड़ है वहाँ पर बीसिल है। तो ये जो चश्मा है उन्हीं चश्मा, गर्म चश्मा बीसिल और गर्म चश्मा छुत्रुन के ही की कोई शाख है, वहाँ से ये टच होकर यहाँ तक आ रहे हैं। आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नीचे दिए हुए बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आइंदा मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। थैंक यू।